यार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। और विषय से जैसे कि आप सभी लोग परिचित ही हैं कि वैदिक गणित की ज्ञान प्रतिनिधित्व पद्धतियों की मीमांसा, क्रिटिक ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेटिव टेक्निक्स ऑफ वैदिक मैथ्स, ये आज का हमारा विषय है। और इस विषय को थोड़ा सा शुरू करने से पूर्व मैं दो एक बातें स्वीकारोक्तियां करना चाहता हूँ, और वो ये है कि गणित के नाम से मैं भी बचता रहा हूँ। गणित को जिस तरह से समझा जाना चाहिए था और जिस तरह का वो रुचिकर विषय है, उस रूप में मैं उसको कभी रिस्पॉन्ड कर नहीं पाया। और बड़ी देर से ये इच्छा थी कि मैं इस विषय को थोड़ा सा समझूं और इसमें थोड़ा सा अग्रसर अगर हो सकता हूं तो उसको करूं। उसका कारण ये था कि एक तो मुझे हमेशा से जो आकृतियां हैं, ये आकृतियां प्रभावित करती रही हैं, क्योंकि उनमें मुझे लगता रहा है कि इनके पीछे पूरा एक सोशो साइकोलॉजिकल हिस्ट्री इनके पीछे काम करती रही है। क्योंकि जब आप देखते हैं कि एक का रूप, एक की आकृति, दो की आकृति, चार की आकृति, और उसी तरह से अक्षरों की, भाषा में अक्षरों की जो आकृतियां हैं वो मुझे हमेशा आकर्षित करती नहीं हैं, उनमें अपनी ही तरह का मुझे हमेशा एक ज्ञान का चमत्कार दिखाई देता रहा है कि कैसे इन आकृतियों को, चाहे वो गणित में नंबरों की आकृतियां हैं, अंकों की आकृतियां हैं, या वो भाषा में अक्षरों की आकृतियां, तो एक तो वो मुझे हमेशा जो है रुचिकर विषय हमेशा लगा है, हालांकि उसके ऊपर बात करने के लिए लोग बड़े कम मिल पाए। और दूसरा विषय जो इसमें रुचि का हमेशा बना रहा वो ये है कि इन सब को जो प्रयोग करना था वो स्किल ज्यादा रहा या वो ज्ञान पद्धति ज्यादा रही। मैथ्स के टीचर से भी जब कभी बातचीत हुई तो इसी तरह से बात हुई कि ज्ञान के बजाय वो लोग एक स्किल के बारे में ज्यादा बात करते हैं कि आपको एक फॉर्मूला पता है और आपको उस फॉर्मूले को अप्लाई करके दिखा सकते हैं और समस्या का समाधान कर देते हैं। तो इन अंकों का और इन अक्षरों का ज्ञान से जो संबंध है, उस संबंध को समझने में मेरी हमेशा एक रुचि बनी रही है। तो इसीलिए आज का ये हमने वेबिनार जो है उसका विषय भी यही रखा है कि किस तरह से जो अंक हैं और अक्षर हैं वो नॉलेज रिप्रेजेंट करते हैं, और कौन सी वो पद्धतियां हैं जिनसे हम ज्ञान को वस्तुतः ग्रहण करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि गणित के द्वारा आने वाला जो ज्ञान है वो बिल्कुल निश्चित होता है, उसमें कहीं को अव्यवस्था नहीं होती, लेकिन फिर भी मनुष्य का ज्ञान जो है वो उसमें कहीं ना कहीं संभावनाएं भी होती हैं, कहीं ना कहीं संशय भी होते हैं, और कहीं ना कहीं उसमें अग्रसरता जो है वो भी बनी रहती है। तो कई बार ये भी लगता है कि प्रोबेबिलिटी की जो बातें हम लोग करते हैं कि या तो है या तो नहीं है, उसी प्रोबेबिलिटी को जब आप जैनिज्म स्याद्वाद की दृष्टि से देखने लगते हैं तो उसके 7 पैरामीटर्स हो जाते हैं, 7 दृष्टिकोण हो जाते हैं। और इसी तरह की और बहुत सारे इश्यूज हैं जो हम लेक्चर के बाद, डॉक्टर साहब के लेक्चर के बाद उन विषयों को हम लेंगे कि वो मैथमेटिक्स के साथ कैसे संबंधित हैं। उनसे पूर्व मैं आज के मुख्य वक्ता का परिचय कराने से पूर्व दो तीन बातें और आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ कि जहाँ मैं बात कर रहा था कि गणित के प्रति जो एक उत्सुकता बनी रही और दूसरी तरफ मैं जो बचता भी रहा आज तक, उसमें दो बातें और बड़ी हैं जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि एक इन्फिनिटी क्या है, कैसे आप इन्फिनिटी को डिफाइन करते हैं नंबरों के द्वारा, अंकों के द्वारा, और दूसरा शून्यता का अर्थ क्या होता है। क्योंकि सारे के सारे भारतीय जो पद्धति है, गणित की पद्धति, वो शून्य और अनंतता के बीच में है। जो कुछ डिफाइंड है वो गणित जो है उसी से संबंधित है, वहीं पे चल सकता है, लेकिन शून्यता और अनंतता, इन दो को जो गणित है वो कैसे हैंडल करता है, ये मेरे लिए हमेशा एक रुचि का विषय रहा है। और बल्कि जब कभी मैथमेटिशियंस को थोड़ा सा छेड़ना होता था, तंग करना होता था, तो मैं उनको ये पूछ लेता था कि अच्छा मुझे ये तो बता दो कि जो इन्फिनिटी है वो शुरू कहाँ से होती है लेकिन ये तो केवल छेड़ने की बात है, लेकिन ज्ञान की गंभीरता अपनी जगह है।
तो इसी सारे संदर्भ में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वैदिक मैथमेटिक्स के ऊपर, और आप सभी ने कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इस विषय के बारे में सुना ही होगा, और जो मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं उनको इस विषय में ज्यादा विशेष ज्ञान है, लेकिन जो संस्कृत के लोग हैं उनको उतना ज्ञान नहीं है। तो बेसिकली जो है, इट इज एन एंशियंट टेक्निक विच सिंप्लीफाइज मल्टीप्लीकेशन, डिविजिबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, स्क्वेयरिंग, क्यूबिंग, स्क्वेयर एंड क्यूब रूट्स, इवन रिकरिंग डेसिमल्स एंड ऑक्सिलरी फ्रैक्शंस कैन बी हैंडल्ड बाय वैदिक मैथ्स। ये इसकी एक विशेषता है। अब इस वैदिक मैथ्स का जो नाम और जो प्रचलन में आया वो 1965 में एक पुस्तक थी, वेदों में से उन्होंने अध्ययन करके कुछ सूत्र निकाले, उसके आधार पे कुछ कैलकुलेशंस की, और उसको आप देख सकते हैं कि आप बिल्कुल ऊपर उसमें 16 सूत्र और 13 उपसूत्र आपको देखने को मिलते हैं उस पुस्तक में। उस पुस्तक पे कई तरह के चर्चाएं हुई, लोगों ने स्वीकार भी किया और लोगों ने उसके ऊपर आपत्तियां भी की, जैसा कि इस भारत में रहा ही है। और उसके आधार पर जो जटिल अंक गणित गणित की जो गणनाएं हैं उसको वो कैसे किया है, उस सारे को आज हम देखने की कोशिश करेंगे। और बाकी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सारे के सारे सूत्र हैं। ये सूत्र शब्द आपके लिए, जिसे आप सामान्य रूप से फॉर्मूला कहते हैं, ये सूत्र संस्कृत में उसको सूत्र कहते हैं, और उससे मैं आपका परिचय भी कराऊंगा। ये जो संस्कृत में आप लिखी हुई शब्दावलियां देख रहे हैं और ये मैथमेटिक्स की अलजेब्रा की जो आप इक्वेशंस देख रहे हैं, ये इन सूत्रों और अलजेब्रा के बीच के संबंधों को बताने वाली है। तो ये इस तरह से सूत्र हैं, लेकिन मूल रूप से सूत्र क्या होता है, जिसे आप फॉर्मूला कहते हैं, क्योंकि फॉर्मूला के डेफिनेशन आप अंग्रेजी में अलग जानते होंगे, लेकिन संस्कृत में इसको क्या कहते हैं आप उसको एक बार जरूर देख लीजिए कि अल्पाक्षरम असंदिग्धम सार्वद्विश्वतो मुखम अस्तोभम अनवद्यम च सूत्रम सूत्र विदो विदु, यानी कि जिसमें बहुत कम अक्षर हो, किसी प्रकार का संदेह ना हो, सार उसमें हो, निरंतरता हो, कहीं कोई संदेह ना हो, त्रुटिहीन हो, ऐसे जो विषय होता है उसको सूत्र कहा जाता है, उसको फॉर्मूला कहते हैं। तो यानी कि संस्कृत के लोग सूत्र को भी परिभाषित करते हैं, केवल एक कॉन्सेप्ट नहीं है, उस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से परिभाषित कर देते हैं। और फिर उन सूत्रों के 6 प्रकार आपको दिखाई देते हैं जो अलग अलग शिक्षा में, एजुकेशन के अलग अलग फील्ड्स में प्रयोग होते हैं, जिनमें डेफिनेशंस के सूत्र होते हैं, इंटरप्रिटेशन के सूत्र होते हैं, रूल्स होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, एक्सटेंशंस और हेडर्स या डोमेन जिसे आप कहते हैं, और जिसको आजकल जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज भी किया जाता है। तो सूत्र और सूत्र के कितने भेद हैं, कितने प्रकार के सूत्र होते हैं, ये हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, तो उसमें हमें आज के मुख्य वक्ता की बात को समझने में आसानी होगी। वैदिक मैथ्स जो है निश्चित रूप से सारा का सारा संस्कृत के सूत्रों में उपलब्ध है, 16 सूत्र हैं और बाकी जो है उसके उपसूत्र हैं जिनके बारे में चर्चा करेंगे, मैं उसमें नहीं जा रहा, लेकिन ये आपकी जानकारी के लिए एक भूमिका के रूप में मैं आप लोगों को ये स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। और केवल वैदिक मैथ्स ही नहीं, उसके अलावा मैथमेटिक्स को लेकर के संस्कृत परंपरा में बहुत काम हुआ है, जिसमें शुल्ब सूत्र एक पूरी की पूरी एक पुस्तक उपलब्ध होती है, कई लोगों के द्वारा लिखी हुई, जिसमें कई तरह की कैलकुलेशंस, हायर मैथमेटिक्स की जिसे आप कैलकुलेशंस कहते हैं, वो उसमें उपलब्ध होती हैं। लेकिन यहाँ पे ये सारी की सारी संस्कृत में है, उनके हिंदी अर्थ जरूर दिए हुए हैं, लेकिन वो अभी स्पष्ट करने की, उसको अभी हमें हैंडल करने की जरूरत नहीं है, तो बाद में हम उसके विषय पे भी चर्चा करेंगे। तो इन सारे विषयों पर आज हम चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं, और हमें जो मार्ग निर्देशन और हमारे ज्ञान का जो विस्तार करेंगे वो श्री रामचंद्र दियो जी, जो कि चेयरमैन हैं पूर्वामनाय वैदिक गणित प्रशिक्षण प्रकल्प ट्रस्ट, और वो मुख्य रूप से रिसोर्स पर्सन है एनसीईआरटी के और इग्नो के, और साथ में बोल रहे हैं HOD मैथमेटिक्स के IIT इंटरनेशनल स्कूल भुवनेश्वर उड़ीसा से। इसके अतिरिक्त मैंने उनकी आगे एक क्लास ज्वाइन की थी जहाँ पर वो अपने
विद्यार्थियों को गणित की जो शिक्षा है, संडे वाले दिन ऑनलाइन उनको पढ़ा रहे थे, तो मैंने भी वो क्लास जो है उनके जानने के लिए, समझने के लिए कक्षा ज्वाइन की थी। और उसमें बड़ा एक सुखद अनुभव हुआ कि बड़े इंटरेक्टिव तरीके से वो स्टूडेंट्स के साथ बातचीत कर रहे थे, निर्देश दे, हमें अग्रसर होने का मार्ग बताया है। इसके लिए मैं मैथमेटिक्स विभाग की ओर से और संस्कृत विभाग की ओर से सभी कॉलेजेस की ओर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और अपने साथ ही जुड़े हुए जितने भी सहभागी हैं उन सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, विशेष रूप से डॉक्टर नवीन गुलाटी जी का, डॉक्टर सी के झा जी का जो कि मौलाना कॉलेज से जुड़े हैं हमारे साथ, और अन्य सभी साथी जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं और जितने और जुड़ेंगे साथ साथ, उन सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि हमारा एक परंपरा रही है कि पहले मुख्य वक्ता का लगभग 35-40 मिनट का वक्तव्य रहेगा, उसके बाद ओपन हाउस डिस्कशन रहेगी, जो भी आपके सवाल जवाब होंगे, और उसके बाद जो है वो धन्यवाद ज्ञापन हम लोग करेंगे। और हमारे साथ साथ में जुड़े हुए हैं डॉक्टर संजय शर्मा, जो कि डीन है, डीन साइंसेज हैं गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी नोएडा से, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो मैं निवेदन करता हूँ श्री रामदेव जी से कि वो अपना वक्तव्य हमारे साथ आरंभ करें। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर अंगिराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ। यहाँ पे उपस्थित सारे इनवाइटीज को मेरा प्रणाम और जय जगन्नाथ। मैं पहले डॉक्टर अंगिराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा ये प्लेटफॉर्म मुझे देने के लिए। बहुत सालों से मैं गणित के पीछे लगा हुआ हूँ और थोड़ा बहुत कुछ ज्ञान मुझे मिला है। जो थोड़ा बहुत ज्ञान है उसी से मैं भारत के जो बच्चे हैं उन लोगों का जो गणित का डर है वो निकालने की मैं बहुत कोशिश करता हूँ, और उसके साथ साथ कुछ टीचर्स या कुछ पेरेंट्स को गणित का जो डर है वो निकालने की मेरा कोशिश रहता है हर वक्त। यही मेरा एक ही लक्ष्य है। और गणित के बारे में जब भी हम बात करते हैं, एक छोटा सा श्लोक आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। धन्यते संख्यायते तत्गणितम तत्प्रतिपादकत्वेन तत्संज्ञम शास्त्रमुच्यते। मतलब होता है नंबर्स। नंबर को अगर हम समझ ले तो गणित आसान हो जाता है। लेकिन हम आजकल का जो मॉडर्न मैथमेटिक्स है उसी दौर में हम गणित को ढंग से समझ नहीं पाए, क्योंकि नंबर को समझना बहुत जरूरी है। और गणित हर जगह है, आपके किचन से लेके आसमान तक गणित है। इसीलिए गणित का एक श्लोक मैं हर वक्त हर किसी से सुनता आ रहा हूं, यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणयो यथा तद्वत वेदांग शास्त्राणाम गणितम वर्तमसि। गणित को हर वक्त सबसे ऊपर रखा गया है। लेकिन आज ये कहने के लिए मुझे बहुत तकलीफ होता है कि बच्चे गणित को इतना डरते हैं, जैसे कि अभी डॉक्टर अंगिराज कह रहे थे कि हर कोई गणित को डरते हैं। इसके पीछे एक रीजन मैंने देखा कि बच्चे जो नंबर से उसको ढंग से नहीं समझ पाए। हम जब इंग्लिश अल्फाबेट पिछले वेबिनार में अंगिराज जी कह रहे थे कि नहीं, हम संस्कृत और हिंदी को कैसे धीरे धीरे उससे दूर भाग रहे हैं। इंग्लिश ज्ञान जो मॉडर्न ज्ञान कहते हैं, इंग्लिश को सीखने के लिए हम हमारे जो संस्कृति हमारे जो ज्ञान परंपरा है उससे हम दूर भागते जा रहे हैं। तो एक अल्फाबेट सीखने के लिए या एबीसीडी सीखने के लिए बच्चे 3-4 साल ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल ये सीखते जाते हैं, उसके बाद राइम्स पता नहीं क्या क्या सीखते हैं, 3-4 साल तक इंग्लिश के पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन जब हम मैथमेटिक्स के बारे में बात करते हैं, गणित के बारे में बात करते हैं,
तो ज्यादा से ज्यादा एक दो क्लास के बाद नंबर थ्योरी खत्म हो जाता है, लेकिन ऐसे नहीं है। नंबर को अगर हम अच्छी तरह से समझ ले तो गणित आसान हो जाता है। तो इसीलिए मैं हर किसी को हर जगह कहता हूं कि आप नंबर को पहले समझिए, तो यह नंबर आया कहां से। नंबर जो है आप हर कोई जानते हैं कि जीरो हमारा भारत ने दिया, और जीरो के बारे में एक श्लोक, आप लोग तो यहाँ पे बड़े बड़े विद्वान हैं, तो मैं श्लोक संस्कृत के बारे में क्या बताऊंगा। एक श्लोक है, पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, जो संस्कृत ये है वो तो आप लोग जानते हैं, लेकिन इसका मैथमेटिकल कंसेप्ट क्या है। पूर्ण, पूर्ण मतलब शून्य को हम पूर्ण कहते हैं, क्योंकि शून्य एक ऐसा चीज है जो कि अभी अभी अंगिराज जी कह रहे थे कि जीरो टू इन्फिनिटी। जीरो एक ऐसा नंबर है जो आपको जीरो से इन्फिनिटी तक वैल्यू देता है। एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज जीरो, जीरो डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज जीरो, जीरो एडेड टू एनी नंबर, जीरो एडेड टू एनी नंबर इज दैट नंबर, बट जीरो डिवाइडेड बाय जीरो और एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो इज इन्फिनिटी। जितने हमारे 10 डिजिट्स है, 1 से लेके 0 से लेके 9 तक जितना 10 डिजिट्स है, वो 10 डिजिट में 0 एक ऐसा डिजिट है जो आपको 0 टू इन्फिनिटी देता है, बाकी कोई डिजिट आपको इन्फिनिटी वैल्यू नहीं देगा। सो आपको ये जितने सारे 16 सूत्र, 13 उपसूत्र और 3 कूट सूत्र जो है, 32 सूत्र गुरुदेव का, उसके बारे में कहने से पहले मैं आपको गुरुदेव के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज जो कि फादर ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स है, वो गोवर्धन पीठ के 143rd शंकराचार्य है। गुरुदेव जी ने 8 अलग अलग सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। उन्होंने 1884 में जन्म लिए और 1961 में उनका देहांत हो गया था, और उन्होंने ये जो 16 सूत्र उनको मिला था, एडवांस्ड वेदांत फिलोसफी एंड मेटाफिजिक्स, जो कि श्रृंगेरी फॉरेस्ट में 8 साल 1911 से लेकर 1918 तक बहुत मेहनत करके, उन्होंने 8 साल मेहनत करके जो रिसर्च करके उनको जो ज्ञान मिला था वेदों और उपनिषद से, उसको उन्होंने 16 अलग अलग किताब लिखे थे जिसको 16 सूत्र कहते हैं। इस 16 सूत्र 16 किताब में लिखे थे, और उसी 16 सूत्र को हम बात करेंगे। उनका कुछ सूत्र के बारे में आप लोगों से मैं बात करूंगा। एक होता है एक न्यूनेन पूर्वेण, एकाधिकेन पूर्वेण, निखिलम नवतः चरमम दशतः, ऐसे कुछ सूत्र है। शून्यम साम्य समुचय शिष्यते शेष संज्ञा, ऐसे कुछ सूत्र है। उस सूत्र के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत उसके बारे में ज्ञान आपको दूंगा। अभी हम बात करते हैं ये जो निखिलम नवतः चरमम दशतः, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। फर्स्ट सूत्र के बारे में मैं बात करूंगा, निखिलम नवतः चरमम दशतः, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। देखिए, अगर किसी नंबर को एक, वन इज ए नंबर, इस नंबर वन को हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज में डिफाइन कर सकते हैं, जिसको हम आदि कहते हैं। तो ये जो वन है, वन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज वन प्लस जीरो, वन मल्टीप्लाइड बाय वन, वन डिवाइडेड बाय वन। और क्या क्या कर सकते हैं इसको, और लिखने का प्रोसेस भी मैं बताता हूं। 0.1 प्लस 0.9, दिस इज ऑल्सो वन। अगर हम लिखेंगे 1 को 0.012 प्लस 0.988, ये भी 1 होगा। मैं यहां कौन सा सूत्र अप्लाई कर रहा हूं, देखिए, निखिलम नवतः चरमम दशतः, ये दोनों 9 कंप्लीमेंट है, ये 9 कंप्लीमेंट है, ये 10 कंप्लीमेंट है। 9 कंप्लीमेंट एंड 10 कंप्लीमेंट, दो नंबर को जोड़ने से अगर 9 आता है उसको हम 9 कंप्लीमेंट कहते हैं।
दो नंबर को जोड़ने से अगर 10 आता है उसको 10 कंप्लीमेंट कहते हैं। निखिलम नवकः चरमं दशकम्। देखिए 0 प्लस 9 9 हुआ, 1 प्लस 8 9 हुआ, 2 प्लस 8 10 हुआ। तो मैं यहां पे अप्लाई कर रहा हूं निखिलम नवकः चरमं दशकम्। और कुछ एग्जांपल्स में लेता हूं क्योंकि समय की बहुत कमी है, बहुत कम समय में मुझे कुछ ये करना है, हर किसी को थोड़ा बहुत मैं टच करूंगा। सपोज आपके पास एक नंबर है 0.01023, इसका आपका 9 कंप्लीमेंट निकालना है, जिन दोनों को ऐड करने से आपको 1 आएगा। तो यहाँ 9877 इसको आप ऐड करिए आपको 1 मिलेगा। तो मैं क्या किया, ये दोनों को ऐड करिए 9 मिलता है, ये दोनों को ऐड करिए आपको 9 मिलता है, 9 मिलता है, 9 मिलता है, यहाँ आपको 10 मिलता है। तो मैं यहाँ पे अप्लाई किया निखिलम नवकः चरमं दशकम् फॉर्मूला। किसी भी नंबर, चाहे 1 हो या कोई दूसरा नंबर हो, किसी भी नंबर को हम इसी फॉर्म में निखिलम नवकः चरमं दशकम् फॉर्मूला अप्लाई करके हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूं एक नंबर, मान लीजिए -73285, इसको माइनस करना है। यहाँ पे भी मैं निखिलम नवकः चरमं दशकम् अप्लाई करता हूँ 26715, ये आपका आंसर आ गया। यहाँ भी मैंने निखिलम नवकः, देखिए इन दोनों को जोड़िए 9999910, तो इससे हमारा कैलकुलेशन फास्टर देन कैलकुलेटर हो जाता है। अभी मैं थोड़ा कुछ और मल्टीप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, ये सब के बारे में थोड़ा बहुत आपसे बात करना है। देखिए कोई भी नंबर, जैसे कि मल्टीप्लीकेशन, आप किसी नंबर, यहाँ पे बहुत यानी स्टूडेंट्स भी होंगे जिनका संस्कृत में तो ज्ञान होगा, उसके साथ मैथ्स में भी ज्ञान हो सकता है। 51 एक नंबर है, 51 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100/2+1 ऐसे लिख सकते हैं। किसी नंबर को अगर 51 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो मान लीजिए आपके पास 36 × 51 है, 1836 आंसर आएगा। मैंने क्या किया, वैदिक गणित में हम दो बेस हर वक्त यूज करते हैं। वन बेस होता है आपका थ्योरेटिकल बेस, अनदर इज वर्किंग बेस। दो बेस हम यूज करते हैं, वर्किंग बेस एंड थ्योरेटिकल बेस, वर्किंग बेस एंड थ्योरेटिकल बेस। क्योंकि हमें जीरो भारत ने दिया, इसी जीरो से हमें पावर नोटेशन एंड डेसिमल नोटेशन दोनों भी मिला। अगर जीरो नहीं मिला होता तो हमें पावर नोटेशन डेसिमल नोटेशन नहीं मिला होता। तो यहाँ पे इसी पावर नोटेशन एंड डेसिमल नोटेशन को बेस करके गुरुदेव ने, भारती कृष्ण चतुर्थी जी महाराज ने, हर एक नंबर को ऐसे 10^n फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, देखिए ये 51 को मैंने मल्टीप्लाई किया 100/2, 36 को 2 से डिवाइड करते हैं आपको 18 मिलता है, 100 में 2 जीरो है, ये 2 जीरो का प्लेस 36 ऑक्युपाई करता है, तो आपको आंसर मिल जाता है 1836। अगर आपके पास कोई दूसरा नंबर है जैसे कि 52 से मल्टीप्लाई करना है, किसी भी नंबर को, मान लीजिए 52 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100/2+2 ये भी हो सकता है। तो अगर आपके पास 76 × 52 होगा, 76 × 52, 76 को आधा करते हैं, 76 को जब हम आधा करेंगे हमें मिलेगा 38। अभी 76 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 152 मिलता है, 152
ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि ये जो 76 100 बाई 2 है तो दो प्लेस में जीरो रहेगा, ये दो प्लेस का जीरो रहा, और ये बिकॉज 76 को मैं 2 में जब मल्टीप्लाई करता हूँ मुझे 152 मिलता है, 1 कैरी हो गया, तो 3951। तो ऐसे तो बहुत सारे मल्टीप्लीकेशन का सूत्र हमें मिलता है, उसके बारे में हम बहुत कम लोग उसके ऊपर जानते हैं। यही है मुश्किल हमारे जो मॉडर्न मैथमेटिक्स के नाम से हमारे जो पुराने गणितज्ञ हैं उनका ज्ञान को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। अभी हम बात करेंगे स्क्वायरिंग ऑफ नंबर्स। स्क्वायरिंग ऑफ नंबर्स, मैं कहीं पे भी जाता हूं मुझे लोग पूछते हैं सर हम ए प्लस बी होल स्क्वायर क्यों याद रखें, ए प्लस बी होल क्यों याद रखें, व्हाट इज द यूज ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर, ज्यादातर लोग पूछते हैं। लेकिन हम किसी भी नंबर, टू डिजिटल नंबर या थ्री डिजिटल नंबर या फोर डिजिटल नंबर का स्क्वायर निकालने का इजी मेथड होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर निकालना या ए प्लस बी होल क्यूब निकालने का। देखिए कोई भी एनी टू डिजिटल नंबर लेते हैं, यहां हम एक फॉर्मूला आता है जिसको हम डुप्लेक्स मेथड कहते हैं, डुप्लेक्स मेथड। यहां डुप्लेक्स मेथड मान लीजिए एक नंबर है ए, इसका डुप्लेक्स होता है ए स्क्वायर। अगर टू डिजिटल नंबर आता है इसका डुप्लेक्स होता है 2ab। अगर तीन डिजिट नंबर आता है abc, इसका डुप्लेक्स होता है आपका ट्वाइस ऑफ ac प्लस b स्क्वायर। वैसे abcd फोर डिजिटल नंबर अगर आ गया तो आपका आएगा इस ट्वाइस ऑफ ac प्लस ट्वाइस ऑफ bc, ये डुप्लेक्स है। इसी फॉर्म में अगर हम स्क्वायर निकालने की कोशिश करें, हमारा स्क्वायर निकालने का कोई भी एनी टू डिजिटल नंबर का स्क्वायर निकालना इजी हो जाता है। मैं स्क्वायर निकालने का विधि तीन चार विधि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 32 एक नंबर है, इसका स्क्वायर निकालना है। फर्स्ट डिजिट है आपका 3 का स्क्वायर, सिंगल डिजिट का मैंने बताया था ए स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर 9 हुआ। अभी दो डिजिट है, दो डिजिट का स्क्वायर मैंने डुप्लेक्स बताया था ट्वाइस ऑफ ए बी, सो आपको 12 मिल जाता है। अभी लास्ट डिजिट है 2, उसका डुप्लेक्स होगा 4, तो इसको कैरी करेंगे 1024 आएगा। ये तो एक विधि है। अभी मैं दूसरा विधि आपको बताता हूं। अभी आप क्या करेंगे, 3 स्क्वायर लेंगे 9 मिलेगा एंड 2 स्क्वायर 4 मिलता है, यहाँ आप 04 लिखेंगे और इन दोनों का जो डुप्लेक्स है, दोनों का डुप्लेक्स ये आपका आता है 12, ऐड कर दीजिए 1024। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ जो जो ज्ञान मुझे मिला है उसी के साथ थोड़ा थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मान लीजिए आपके पास और एक मेथड मैं आपको बताता हूँ, 50 को बेस नंबर लेके हम स्क्वायर निकाल सकते हैं, नंबर्स विच आर वेरी क्लोज टू 50। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 50 का स्क्वायर आपको मिलता है 2500। अभी 50 के नियरेस्ट नंबर वो उसका स्क्वायर आपको निकालने का इजी प्रोसेस क्या है, देखिए 51 स्क्वायर 25, 50 से 51 कितना 1 एक्सेस है, 25 पे 1 जोड़ेंगे, अभी 1 का स्क्वायर होता है 1, यहां 4 डिजिटल नंबर आता है तो ये भी 4 डिजिटल होगा 01 लिखेंगे। मान लीजिए 54 स्क्वायर आपको निकालना है, 50 से 54 कितना ज्यादा है 4 एक्सेस है, आप 25 में 4 जोड़िए आपको 29 मिला एंड 4 का स्क्वायर होता है 16, ये आपका आंसर है। मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 57 स्क्वायर, 50 से 57 7 एक्सेस है, आप 25 में 7 जोड़िए आपको 32 मिला एंड 7 का स्क्वायर होता है 49।
मान लीजिए आपके आपको 62 का स्क्वायर निकालना है, 62 50 से 12 ज्यादा है, आप 25 में 12 जोड़िए आपको 37 मिला। अभी 12 का स्क्वायर होता है 144, फोर डिजिट कैरी करेंगे 3844, ये आपका स्क्वायर है। अगर स्मॉलर देन 50 नंबर्स आपको चाहिए, जैसे कि 48 का स्क्वायर आपको निकालना, 50 से 2 लेस है, इसीलिए 25 से 2 माइनस करिए, आपको 23 मिला। एंड माइनस 2 का स्क्वायर है 4, 04 आप लिखिए। मान लीजिए आपको 43 का स्क्वायर चाहिए, 43 50 से 7 लेस है, इसीलिए आप 25 से 7 माइनस करिए, आपको 18 मिलेगा। एंड 7 का स्क्वायर 49 है, 18। So, ये तो एक विधि है आप लोगों के साथ, मैं तीन डिफरेंट मेथड्स मैंने शेयर किया, जिससे आपका स्क्वायर निकालने का इजी मेथड मिल जाता है। अभी हम कुछ और थोड़ा बहुत मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 998 का स्क्वायर निकालना है, तो बच्चे जब भी ऐसे बड़े बड़े नंबर आप बच्चों को मिलता है, बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, सर इतना बड़ा नंबर है कैसे मल्टीप्लाई। वेरी सिंपल, यहां आपका मैंने आपको बताया कि दो बेस नंबर हम यूज करते हैं, वर्किंग बेस एंड थ्योरेटिकल बेस। यहां आपका वर्किंग बेस होगा 1000, बिकॉज ये नंबर 1000 के करीब है, इसीलिए वर्किंग बेस 1000 होगा। तो 1000 से कितना डेफिसिट है, दो डेफिसिट है, तो फर्दर दो माइनस करिए, तो आपको 996 मिला। 998 डेफिसिट नंबर 2 है, फर्दर 2 माइनस करिए, आपको 996 मिला। अभी जो डेफिसिट नंबर यहां पे है आपका माइनस 2, उसका स्क्वायर निकालिए तो आपको मिलता है 4। 1000 में 3 जीरोस है, इसलिए इसको 3 डिजिटल बनाने के लिए आप दो डिजिट जो जीरो प्लेस करना है, आपको मिल गया 996004। तो ये तो था आप लोगों का स्क्वायरिंग के, स्क्वायरिंग में और भी बहुत सारे कंसेप्ट है, तो समय की कमी की वजह से मैं थोड़ा क्विक कर रहा हूं। अभी हम क्यूब ऑफ नंबर्स के बारे में बात करेंगे। क्यूब ऑफ नंबर्स, अभी क्यूब ऑफ नंबर्स, किसी भी टू डिजिटल नंबर का क्यूब निकालने के लिए हम दो अलग अलग कंसेप्ट यूज करते हैं। वन होता है a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब यूज करते हैं, और एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये दो कंसेप्ट हम यूज करते हैं। सेकेंड इज योर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, a प्लस बी होल क्यूब एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये दो। देखिए अगर आपको 12 का क्यूब निकालना है, 12 का क्यूब निकालने के लिए यहां a प्लस बी होल क्यूब, यहां भी दिस इज a आपका 1 मिला एंड b आपको 2 मिला। a प्लस बी होल क्यूब यहां पे 4 टर्म्स मिलेंगे, बाइनोमियल थ्योरम यहां हम यूज करेंगे, तो रेशियो आपको क्या मिला, 1:2, फर्स्ट नंबर इज 1, सेकेंड नंबर इज 2, सो रेशियो आपको मिलता है 1:2। ये चार नंबर जो 1:2 रेशियो में, चार नंबर हम लिखेंगे, मतलब 1, 2, 4, 8 एडजेसेंट नंबर 1 और 2, रेशियो 1:2, 2:12, 1:4, 2 एंड 4:8, 1:2, आपको चार नंबर मिला। अब ये जो बीच वाला दो नंबर है इसको डबल कर दीजिए, 4 और 8 ऐड कर दीजिए, यहाँ 8 मिलता है, यहाँ 12 मिलता है, ये 12 का 1 कैरी हो जाएगा, यहाँ 7, 1728, आंसर आपको मिला 1728, 12 का क्यूब। अभी मैं कुछ और नंबर लेता हूं, देखिए मैं लेता हूं 24 क्यूब लेता हूं, यहां a इज योर 2,
ये 4:1:2 2 का क्यूब होता है 8, देन 1:2 में मुझे 4 नंबर लिखना है 16, 32, 64। देखिए ये जो नंबर 8 है ये a का क्यूब है, b है आपका 4, ये 4 का क्यूब है, 64 is 4 cube। अब ये बीच वाला दो नंबर को डबल करेंगे, मैं अभी समझाऊंगा आपको डबल क्यों कर रहे हैं, 32, 64। अभी 4 को नीचे ले आता हूं, हेलो नहीं हेलो, 6 को कैरी करते हैं, ये आपका 12 मिला, 2, 1, ये 10 आ गया, 0, 1, 10 कैरी हो गया, अब ये आपको मिलता है 8, 5, ये 5 कैरी हो गया, आपको 13 मिला, 1, 3, 8, 2, 4, आंसर इज 1, 3, 8, ये आपका क्यूब ऑफ 24। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि हम बीच वाला जो दो नंबर्स है इसको डबल क्यों करते हैं। अभी देखिए a प्लस बी होल क्यूब जो है, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस 3a² b + 3ab² + b³। अभी हम इसको लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अभी मैं जो दो नंबर को अगर डबल करके ऐड करता हूं, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर, जब ऐड करता हूं तो फाइनली वही मिलता है। लेकिन ये जो स्टेप है ये लिखने का क्या मतलब है ये मैं आपको समझाने वाला हूं। देखिए हम यहां पे एक तो a प्लस b होल क्यूब का कांसेप्ट यूज करते हैं, दूसरा रेशियो इन प्रोपोर्शन इसको भी यूज करते हैं, तो हम क्यों करते हैं ये मैं आपको समझाऊंगा। देखिए हमारा फर्स्ट टर्म जो था a क्यूब, सेकेंड टर्म था a स्क्वायर b, थर्ड टर्म था ए बी स्क्वायर एंड फोर्थ टर्म बी क्यूब। अभी मैं ये सबका रेशियो निकालता हूं, ए क्यूब डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बी इज इक्वल टू ए बाई बी और ए टू बी, नेक्स्ट ए स्क्वायर बी बाई ए बी स्क्वायर दैट इज ऑल्सो ए टू बी, देन ए बी स्क्वायर बाई बी क्यूब दैट इज ऑल्सो ए इज टू बी। So, ये जो फोर टर्म्स हमें मिले ये फोर टर्म दे बियर ए कांस्टेंट रेशियो, एक कांस्टेंट रेशियो, उसी रेशियो आप खुद सोचिए। अभी भी हमारे बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियन है जो कि अपने आप को मॉडर्न मैथमेटिक्स के बहुत बड़े ज्ञाता समझते हैं, लेकिन जो भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज उनका सोच कितना ज्यादा था, वो कितना ये तक सोचे ये सारा अलजेब्रिक कंसेप्ट वो कैसे निकाले। तो हमारे जितने फॉर्मूलाज है वो सारे फॉर्मूला वो अलजेब्रा से जुड़े हुए हैं, वैदिक गणित के जो 16 सूत्र 13 उपसूत्र 3 मूल सूत्र है ये सारे सूत्र अलजेब्रा से जुड़ा हुआ है। तो अभी क्यूब ऑफ एनी नंबर्स, किसी भी नंबर का क्यूब निकालने का मेथड हम निकाल सकते हैं। अभी हम क्यूब ऑफ नंबर आप लोग समझ गए, मान लीजिए आपके पास एक नंबर है, एक छोटा कंसेप्ट मैं आप लोगों को समझाऊंगा, मान लीजिए 103 का क्यूब निकालना है, जैसे आधार जिसको हम बेस नंबर मानते हैं, वर्किंग बेस एंड थ्योरेटिकल बेस, यहां मैं वर्किंग बेस लूंगा, यहां वर्किंग बेस मैं 100 लेता हूं क्योंकि ये नंबर आपका 100 के करीब है, इसीलिए मैं यहां वर्किंग बेस 100 लेता हूं, वर्किंग बेस 1000 10000 1 लाख कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, a प्लस बी होल क्यूब ही यूज कर रहा हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 100 प्लस 3 होल क्यूब फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। अभी स्क्वायर में मैंने क्या, अगर इसका स्क्वायर निकालना है मुझे, इसका स्क्वायर निकालना है, मैं क्या करता हूं 103 प्लस 3 106 एंड 3 का स्क्वायर 09, ये आपका स्क्वायर आएगा। लेकिन क्यूबिंग में मैं क्या करूंगा, ये जो एक्सेस नंबर है 3 उसको डबल करके ऐड करूंगा, यहां जितना एक्सेस था उतना ऐड किया,
103 में, लेकिन यहाँ 103 में डबल करके ऐड करूंगा, मतलब 103 के साथ डबल करने से 6 मिलता है, 3+6 आपको ये 9 मिल गया। अभी दो एक्सेस मिलते हैं, फर्स्ट एक्सेस है आपका 3, सेकेंड एक्सेस 9, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3, 9, 27 मिला। अभी 3 का क्यूब 27, यह आपका आंसर आ गया। 103 का क्यूब होता है 109, 27, 27। तो मैं अभी और एक दो नंबर बताऊंगा, जैसे कि मान लीजिए आपको 997 का क्यूब निकालना है, ये नंबर आपका क्लोज टू 1000 है, तो क्योंकि दिस नंबर इज क्लोज टू 1000 हम वर्किंग बेस 1000 लेंगे, डेफिसिट कितना कम है, -3 डेफिसिट है, जितना डेफिसिट है उसको डबल करके माइनस करेंगे, मतलब -6 करेंगे, 997 -6 1 आया, तो फर्स्ट डेफिसिट आपको -9 होता, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करिए, -3 -9 आपको 27 मिलता है, एंड जो फर्स्ट डेफिसिट है उसका क्यूब करेंगे, मतलब -3 का क्यूब करेंगे, आपको मिलेगा -27, तो यहां आप -27 लिखेंगे। दिस इज अ पॉजिटिव नंबर, इसका तो कभी क्यूब नेगेटिव आ ही नहीं सकता, इसको पॉजिटिव करने के लिए जो वर्किंग बेस है 1000 से 27 को माइनस करेंगे, यहां मैं निखिलम नवता चरमम दशका फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, तो 99126 ये 1 कैरी हुआ, जो बेस नंबर है वर्किंग बेस वो कैरी हो गया, इसलिए 27 26 हो गया, माइनस 1 हो के वो 26 हो गया, और 1000 से मैं जब 27 माइनस करता हूं तो निखिलम नवता चरमम दशका अप्लाई करता हूं, 973। तो ये आपका आंसर है 99126 So, ये आपका आंसर आएगा। तो ये तो था अबाउट क्यूब ऑफ नंबर्स, अभी हम थोड़ा बात करेंगे। हेलो, आपका ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है। मैडम दिव्या त्रिपाठी हैं। जी मैम, वो ऑडियो है वीडियो नहीं आ रहा है। हाँ जी, वीडियो नहीं आ रहा, नहीं इधर तो आ रहा है। अच्छा, टैबलेट पे अगर अगर सबको प्रॉब्लम मेरे पास तो दोनों क्लियर हैं, और चलिए देखते हैं या रीजॉइन करके कर लें एक बार, कई बार वो उसकी वजह से हो जाता है। जी प्लीज कंटिन्यू सर, छोड़ के रीजॉइन करिए। अभी हम बात करेंगे एकाधिक एरो कुर्बेना सूत्र, वन मोर देन द प्रीवियस नंबर। इसका एप्लीकेशन गुरुदेव ने इतना अच्छी तरह से, देखिए मेरे पास जितने सारे सूत्र है हर किसी का अलजेब्रिक कंसेप्ट है, मां सरस्वती के आशीर्वाद से जहां तक मैं जानता हूं बहुत कम लोग, क्योंकि विद्याभारती से भी जुड़ा हुआ हूं, ये सारे सबको ये सूत्र नहीं मिला है, लेकिन मुझे कहीं कहीं से बहुत सारे किताब, क्योंकि 15-16 साल से जुड़ा हुआ हूं इस वैदिक गणित के साथ, मुझे सारे सूत्र का अलजेब्रिक कंसेप्ट मिल गया है, उसके लिए मैं गुरुदेव जी को और मां सरस्वती जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं। अभी हम बात करेंगे वन मोर देन द प्रीवियस नंबर। किसी भी रेशनल नंबर, किसी भी फ्रैक्शनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितना मुश्किल होता है,
लेकिन गुरुदेव जी का ये सूत्र जो है वन मोर देन द प्रीवियस नंबर और एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र, उसको यूज करके हम कितना इजी वे में कितना डेसिमल प्लेसेस तक किसी भी फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, 1/19, ठीक है सर, दिख रहा है तो आपको बोर्ड? जी 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 दिखाई दे रहा है। इसको अगर 1/19 को डेसिमल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे यूजिंग डिविजन मेथड, ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन गुरुदेव जी का जो सूत्र है वो कितना इजी होता है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि जब भी यूनिट प्लेस में 9 होता है या कोई भी ऑड नंबर होता है, ये यूनिट प्लेस का डिजिट एंड इक्विवेलेंट डेसिमल का लास्ट डिजिट को जब मल्टीप्लाई करेंगे हमें 9 मिलना जरूरी है। देखिए, जब भी ऑड नंबर होता है, जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर में यूनिट प्लेस में जो भी ऑड नंबर होता है उसको और इक्विवेलेंट डेसिमल का लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे हमें 9 मिलता है। तो 9 यहां 1 है तो आपको 9 मिला। अभी यहां जो नंबर है वो 1 है, 1 मोर देन 1 2 है, अभी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2, 4, 8, 16, 3, मैं 2 से मल्टीप्लाई करता जाता हूं, 1, 2, 1 जा 2, 2, 2 जा 4, 4, 2 जा 8, 8, 2 जा 16, 1 कैरी हुआ, then 2, 6 जा 12, 1, 13, 3, 1 कैरी हुआ, आपका 7 मिल गया, या आपका 4 मिल गया, या आपका 9 मिल गया। देखिए, आपका ये जो 9 है, 9 minus 1, 18 डिजिट आपका रिकरिंग डिजिट्स होगा, उसके बाद रिपीटेशन स्टार्ट होता है। 19 minus 1, अभी मुझे कितना डिजिट्स मिले? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 डिजिट मिल गया। अभी मैं आपका एक बहुत इजी वे बताता हूं, अभी मैं ऐसे नंबर्स लिखूंगा जो कि ये सारे नंबर का सेम ऑर्डर में 9 कंप्लीमेंट है, 9 का 9 कंप्लीमेंट, 0, 5, 2, 6, 3, 1, 5, 7 and 8। तो इतना बड़ा नंबर आप कोई कैलकुलेटर में भी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन गुरुदेव जी का जो एकाधिकेन सूत्र उसको यूज करके मैंने आपको 1/19 का 18 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक आपको मैंने बता दिया, 0.05263157894736841, देन रिपीटेशन विल स्टार्ट, इसीलिए इसके ऊपर बार रहा है। तो ये तो गुरुदेव जी का एक है। इसी क्रम में हम 29 का भी कर सकते हैं, 1/29, 1/29, 1/39, लेकिन यहाँ पे आपको 3 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको मिलेगा 28 डेसिमल डिजिट्स, यहाँ 39, 4 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी मैं कुछ और नंबर लेता हूं, देखिए अगर हमें एक नंबर चाहिए, सपोज यू हैव अ नंबर 1/12, 1/12, यहां 2 है तो आपका यूनिट प्लेस में 2 है, दैट मींस आपका जो लास्ट डिजिट आपका ऐसा एक नंबर होना चाहिए जो 0 है, लेकिन इसको हम कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट लाइक 2 multiplied by 2 multiplied by 3। टेंथ स्टैंडर्ड में एक फॉर्मूला है, 2^m × 5^n, सीबीएसई के फर्स्ट चैप्टर जो है 10th स्टैंडर्ड का, उसमें ये एक फॉर्मूला है 2^n, ये हर वक्त 2^n इन मल्टीप्लाइड बाय 5^n फॉर्म में कोई भी नंबर रहता है, अगर 2 एंड 5 फैक्टर होता है और टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है और रिकरिंग डेसिमल नहीं होता, रिपीटिंग डेसिमल नहीं होता, लेकिन यहां पे 2 है, 2 2s है एंड 1 3 है, तो हमें 2 2 के लिए 2 नॉन रिकरिंग डिजिट्स मिलेगा और 3 के लिए रिकरिंग डिजिट मिलेगा। इसको थोड़ा आप ध्यान दीजिए, मैं इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूं तो मुझे मिलता है 8/96, मल्टीप्लाइंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 8। तो 96 इज अ नंबर व्हिच इज क्लोज टू 100 बिकॉज़ 12 कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू 100, सो इसीलिए डेसिमल में कन्वर्ट करने से हमको रिकरिंग डिजिट।
जीरो वो क्या होगा वो जानने के लिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे 1/4 को लिख सकते हैं 0.25 डिवाइडेड बाय 3। देखिए 0.8 1/3 मतलब 3 मतलब 3 बार है, तो 1/12 का 0.083। तो अभी मैं आप लोगों के साथ थोड़ा पाई के बारे में बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे चीज मुझे आप लोगों को समझाना है, ट्रिग्नोमेट्री भी समझाना था समय, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ एक पाई के बारे में बात करूंगा। गुरुदेव ने भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज जो या अभी के जो शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी है वो भी पाई के बारे में बहुत कुछ समझाया है, जिसको लेके गुरुदेव ने अभी के जो गुरुदेव है उन्होंने एक किताब लिखे हैं जिसका नाम है पव्यानुस्वरम, जिसका नाम है पव्यानुस्वरम। ये जो पाई है पाई इज द 16th अल्फाबेट, 16th ग्रीक अल्फाबेट, इट इज 16th ग्रीक अल्फाबेट। ग्रीक अल्फाबेट में आपको अल्फा बीटा गामा बिफोर द मॉडर्न न्यूमरल सिस्टम और इन इंडियन न्यूमरल सिस्टम, तो ग्रीक्स कुछ अल्फाबेट्स यूज करते थे टू डिनोट नंबर, नंबर को डिनोट करने के लिए वो कुछ अल्फाबेट्स यूज करते थे, जैसे कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा फाई साई एप्सिलॉन ऐसे। सो इसी क्रम में आपको थीटा मिलता है 9 एंड पाई मिलता है 62। तो थीटा का वैल्यू ग्रीक्स जो थे वो थीटा को 9 मानते थे एंड पाई को 16 मानते थे। आप अगर जो ग्रीक अल्फाबेट को देखेंगे उसमें आपको थीटा 9th पोजीशन में मिलेगा, पाई 16th पोजीशन में मिलेगा। तो पाई का ग्रीक वैल्यू है वो 16 है एंड पाई डिनोट्स द साउंड, साउंड को भी डिनोट करता है। एंड इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है पाई का एक न्यूमेरिकल वैल्यू है उसका वैल्यू होता है 80, उसका वैल्यू होता है 80। लेकिन इसके ऊपर गुरुदेव ने हर वक्त गुरुदेव ने कहा कि पाई का वैल्यू एग्जैक्टली 3 है, इट इज नॉट लाइक जो आप लोग बताते हैं पाई का वैल्यू 3.1415926 ऐसे 535 ऐसे बहुत सारे इंफिनिटी तक, क्योंकि श्रीनिवास रामानुजन पाई का वैल्यू इंफिनिटी तक डिफाइन किए हैं। और इससे पहले हमारे आर्यभट्ट ने एक श्लोक बताया है, चतुराधिकम शतमष्टगुणम द्वासष्टि तथा सहस्राणाम अंताद्वय स्तंभास्यासन्न मृतो परिणाम, उसमें आर्यभट्ट ने हमें पाई का वैल्यू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक डिफाइन किया है। ये आर्यभट्ट की वैल्यू है, लेकिन उसके बाद पाई के ऊपर बहुत सारा अभी भी काम चल रहा है और पाई में ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलस में भी उसको ये करने का बहुत सारा विधि है। लेकिन उसका जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू अभी के जो गुरुदेव है मेरे जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी, उनका कहने का मतलब है पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 3 होता है। और क्योंकि सर्कल, सर्कल का ये जो बाउंड्री लाइन है, बाउंड्री लाइन हैज सम थिकनेस, वो बाउंड्री लाइन का एक थिकनेस है, उसी थिकनेस के वजह से ये वैल्यू आता है। तो इसके बारे में आप लोग बेहतर समझ सकते हैं क्योंकि ये सब वेदों से जुड़ा हुआ है। तो पाई के बारे में कहा जाता है जब दुर्योधन को मारने के लिए, सॉरी अभिमन्यु को मारने के लिए, गलत कहा सॉरी, अभिमन्यु को मारने नहीं, अर्जुन को मारने के लिए द्रोणाचार्य ने जब चक्रव्यूह रचा था उसी समय द्रोणाचार्य ने ये पाई का वैल्यू निकाला था, जिसको संस्कृत में त्रिता कहा जाता है। पाई का संस्कृत नेम त्रिता है, लेकिन गलती से पाई के बारे में क्या है मैं आपको नहीं कह पा रहा हूं। अभी मैं शुल्बा सूत्र के बारे में थोड़ा बहुत 2 मिनट समय लूंगा। सुलवा सूत्र, सुलवा सूत्र यहां
पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर थोड़ा मैं पांच एक दो मिनट समय लूंगा, क्योंकि जितने सारे 16 सूत्र है यहाँ, बोधायन उपस्तंभ कात्यायन मानव बदुला, ऐसे बहुत सारे वैदिक ज्योमेट्री के ज्ञाता थे, उन लोगों ने ये 16 सूत्र के ऊपर बहुत सारा काम किया है। तो अभी मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा ये शेयर करूंगा। देखिए, 1 × 2 × 3 = 1 + 2 + 3 = 6। अभी हम अगर वैदिक ज्योमेट्री के ऊपर थोड़ा काम करें तो ये जो नंबर है 3, 4, 5 जिसको हम पीपीटी कहते हैं, पीपीटी प्रिमिटिव पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इसको मैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं कहेंगे, मैं ज्यादातर बोधायन सूत्र या बोधायन ट्रिपलेट कहता हूं। तो 3, 4, 5 ये तीन नंबर को प्रिमिटिव पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, इसको अगर मैं 1, 1, 1 लेके ये करूंगा स्क्वायर बनाऊंगा, ये टोटल है 4, ये टोटल है 3 है, लेकिन ये 1, 1, 1 ये 1 है, तो ये एक स्क्वायर बन गया, ये आपका 4 है तो ये 1 हुआ मतलब ये आपका 3 होगा, और ये 1 हुआ मतलब ये आपका 2 होगा, यहां से यहां तक 2। देखिए आपका वही 1, 2, 3 लेके ये नंबर मिला, ये की नंबर है 1, 2, 3 जो कि आपको 6 देता है। नंबर थ्योरी में कोई और नंबर आपको प्रोडक्ट एंड सम दोनों इक्वल नहीं होता। अभी इसको अगर ये करेंगे यहाँ 1, 3, 2 एंड ये 5 में भी आपको मिल जाता है, ये 2 हुआ मतलब ये भी 2 होगा, ये 3 होगा, दिस इज 2 और ये आपका 3। तो वही 1, 2, 3 को लेके हम ये प्रिमिटिव पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाते हैं, जिसका इसको अगर ऐड करेंगे तो इसका एरिया निकालेंगे 1/2 × 4 × 3, ये एरिया भी आपको 6 मिलेगा। तो प्रिमिटिव पाइथागोरियन ट्रिपलेट के ऊपर मैं थोड़ा आप लोगों के साथ एक मिनट लेता हूं, इसको लेके हम ये क्लास खत्म करेंगे। अभी देखिए, आप जानते हैं जो हमारे बोधायन ऋषि ने जो हमें बताया था, उन्होंने कहा था कि किसी भी स्क्वायर को एडजेसेंट साइड्स, ये स्क्वायर लिए थे, एडजेसेंट साइड का स्क्वायर का सम उसका डायगोनल के बराबर होता है। उसको थोड़ा आगे बढ़ा के पाइथागोरस ने अराउंड 280 इयर्स आफ्टर, 280 साल के बाद उन्होंने उसी कंसेप्ट को चुरा के अपने नाम कर दिया, और आजकल आप लोग सब जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम, इसका एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा है। देखिए यहाँ हम जो कि आजकल के पाइथागोरस थ्योरम में नहीं है, लेकिन बोधायन सूत्र में ये सब है, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। देखिए 3² = 9, आपको 4 + 5 = 9, ये दोनों एडजेसेंट नंबर है, आपका 3, 4, 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिल गया, 3, 4, 5 पाइथागोरियन। कोई भी ऑड नंबर ले लीजिए, मैं ऑड नंबर लेता हूँ 7, 7² = 49। अभी 49 को मैं एडजेसेंट नंबर में स्प्लिट करता हूँ, 24 + 25, तो आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिल गया 7, 24, 25, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मैं और एक ऑड नंबर लेता हूँ 13 square 169, अभी मैं इसका जो बाकी पाइथागोरियन ट्रिपलेट मुझे क्या मिलेंगे 84 and 85, तो मुझे पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिलते हैं आपका 13, 84, 85, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ऐसे हम और भी बहुत सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाल सकते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी निकाल सकते हैं, तो लेकिन समय की कमी की वजह से आप लोगों के साथ मैं ये सब कुछ शेयर नहीं कर पा रहा, भगवान करे तो अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे, बहुत कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना है, इसीलिए सबको जय जगन्नाथ, नेक्स्ट ये में मिलते हैं। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने हमें आज ये सारे के सारा जो विषय है और इसमें जो टेक्निक्स आपने हमें बताए हैं वो वाकई हम लोगों के लिए बड़े प्रभावी हैं।
और विशेष रूप से जो संस्कृत के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनमें डॉक्टर दिव्या त्रिपाठी जी भी हैं और डॉक्टर सी के झा जो हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत मुलाना कॉलेज से, मैडम लवलीन हैं यमुनानगर से, और भी जितने लोग जुड़े हैं, उन लोगों के लिए बड़ा अपने आप में एक रुचिकर विषय रहा है। और मुझे भी पहली बार लगा है कि मैं मैथमेटिक्स को रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ, मैं मैथमेटिक्स को समझ सकता हूँ, ये मेरे लिए पहली बार मेरे में ये विश्वास उत्पन्न हुआ है। नहीं तो मैं तो हमेशा बचता ही रहा हूँ मैथ से, जबकि मैथमेटिक्स जीवन के हर फील्ड के साथ, हर आयाम के साथ जुड़ा हुआ है। तो हालांकि मैथ्स के जो फिलॉसफी है उसमें मेरी विशेष रुचि रही है, तो लेकिन उसको हम आगे परस्यू करेंगे, और अगर मुझे मौका लगता है तो आगे चर्चा करूंगा भी कि श्री यंत्र और वैदिक मैथमेटिक्स के आपस के संबंधों पर जरूर बात करेंगे, क्योंकि उसमें भी पूरी ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है, एलजेब्रिक मेथड्स यूज होते हैं, और फिर वो एप्लीकेशन उसकी कितनी यूनिवर्सल है उसके ऊपर हम जरूर चर्चा करेंगे। तो इस वक्त हमारा जैसे कि स्वभाव ही है कि हम लोग वक्तव्य के बाद एक ओपन हाउस डिस्कशन रखते हैं, सवाल जवाब भी रखते हैं, टिप्पणियां भी रखते हैं, सहमति असहमति सुझाव जो भी हमारे साथ जुड़े हुए लोगों में से कोई देना चाहता है, कहना चाहता है। विशेष रूप से मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर आनंद गुरेये जी को, जो कि महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मूलतः वैज्ञानिक हैं और ज्ञान का बड़ा व्यापक इनका बोध है। तो डॉक्टर आनंद जी, आई विल रिक्वेस्ट यू टू मेक सम कमेंट्स अबाउट दिस लेक्चर। नमस्कार, आपकी हिंदी सुन के मुझे बड़ा इंफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है क्योंकि मेरी ये बंबईया हिंदी है तो थोड़ा यहाँ पे समझ लीजिएगा। वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड, थैंक यू वेरी मच। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। यस, एट द सेम टाइम इसका जो यज्ञ में उपयोग होता है या और कहीं वेदी के निर्माण में उसका उपयोग होता है, इसके ऊपर आप अगर प्रकाश डाले तो दैट वुड बी मोर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। आज आपने जो दिया अरिथमेटिक का ज्ञान दिया, अगले सेशन में अगर आप यज्ञ वेदी जो ज्योमेट्री होती है उसका देंगे तो दैट वुड बी ग्रेट। आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। Also, I see that when you go to the temple, many times there is a lotus carved on the temple side, and that lotus has inside 13 13 पंखुड़िया होती है और बाहर के बाजू 29 पंखुड़िया होती है। तो ये जो कमल होता है वो अपने ज्योमेट्री बॉक्स के कोई भी इंस्ट्रूमेंट से बना नहीं पाते, बिकॉज 360 इज नॉट डिविजिबल बाई 29 और 13, and this is why it becomes a impossibility in modern mathematics, but which can be sorted out using shulbha sutra or rajju ganit. So is tarah se mandir mein bhi jis tarah se ye diya jata hai uske upar bhi aap thoda prakash dale to that would be ji, isme ji hamare pingalacharya and hemachandra in dono ka contribution bahut zyada hai. Yes, agree. इवन जो इन्होंने अभी श्री यंत्र का जिक्र किया तो उसमें गोपाल हेमचंद्र नंबर जिससे हम फिबोनाची नंबर कहते हैं वो यूज होता है। मैं यहाँ पे ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर अ वेरी फ्लूइड एंड वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर एंड विच मेड इवन अ सब्जेक्ट लाइक मैथमेटिक्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। कि जैसे आशुतोष जी ने बोला अभी वहां पे जाके कुछ सीखे ऐसी इच्छा मन में निर्माण होती है। All thanks to you. धन्यवाद डॉक्टर साहब। इसके बाद मैडम स्वाति गेरा, आप कुछ कहना चाहेंगे? अपने को अनम्यूट कीजिए पहले। अपने को अनम्यूट करके आप अनम्यूट नहीं हुई, अनम्यूट नहीं हुए मैडम, नीचे माइक पे क्लिक कीजिए आप।
नहीं नहीं आवाज मैडम अभी तक अनम्यूट नहीं है, नीचे माइक पे एक बार क्लिक कर दीजिए आप अनम्यूट हो जाएंगे। आशुतोष जी आप भी उनको अनम्यूट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन हर माइक। मेरे पास नहीं वो यहाँ से नहीं हो पाएगा, यहाँ पॉसिबल नहीं है। इन द मीन टाइम मैं हाँ जी जी मैडम दिव्या त्रिपाठी जी सबसे पहले तो साधुवाद के पात्र हैं डॉक्टर आशुतोष जी। ये समुद्र में गोता लगाकर रामदेव जैसे रत्नों को हमारे सामने रखते हैं और इस उम्र में भी दिल करता है कि कितना ज्ञान का आगाध भंडार था हमारे वैदिक लिटरेचर में और उसके अभी भी इतने उसको जानकर इतने लोग हैं उपस्थित जिनसे हम अनभिज्ञ हैं। तो इतना सुंदर वक्तव्य देने के लिए रामदेव देव जी का मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और साथ ही आशुतोष जी को भी साधुवाद देती हूँ कि वो इतनी शिद्दत से ये काम कर रहे हैं और हर सप्ताह हमें कुछ ना कुछ सुंदर सुनने को मिलता है। तो दोनों का ही मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाह रही हूँ और ऐसे ही हमें ज्ञान वर्धक जो रिसोर्स पर्सन है वो हमें लाते रहिएगा। और रामदेव जी बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा घोरे जी ने कि आप इसको प्रैक्टिकली श्री यंत्र से, क्योंकि वो सुना है कि हैदराबाद में उसका एक टेम्पल बनना है श्री यंत्र के, मैं सुना ही है अभी ध्यान नहीं है श्री यंत्र के आधार पर ये टेम्पल बना हुआ टेम्पल का ही वो है तो उसको यदि आप प्रिंट तो हमारे लिए बहुत बढ़िया है उसको आप घटित करें तो बहुत हम उसके लिए लुकिंग फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच जी जी थैंक यू मैम उत्साह वर्धन के लिए भी और बात को बहुत स्पष्टता से रखने के लिए भी। बस यही है मैम जो हो सकता है वो कर लें, जब तक हो सकता है उसको कर लें। और मैं तो आपसे कि आप भी एक वक्तव्य दें क्योंकि मुझे ध्यान पड़ता है कि शायद आपका आयुर्वेद और उस पे काम है, काफी ज्यादा काम है। तो मैं चाहूंगा कि आपके वक्तव्य जो है हमें इंडियन बायोलॉजी या इंडियन कुछ मतलब संस्कृत के साथ जोड़ करके और बॉटनी जूलॉजी के साथ जोड़ करके अगर उस पे वक्तव्य दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं आपको सादर आमंत्रित भी करता हूँ। और किसी का कोई बात है, कोई अपने बात साझी करना चाहता है, नहीं तो उसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा प्रोफेसर डॉक्टर संजय शर्मा जी को जो कि डीन है, उनको कि कमेंट्स देने के लिए, कंक्लूडिंग कमेंट्स देने के लिए। किसी के कोई कोई प्रश्न हो? मैडम आशा गोलचा जी, मैम कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्लीज, क्योंकि आपके बड़े इंटरेस्टिंग दो कमेंट्स आए हैं कि आई होप यू आर फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। मैम गोलचा can you unmute yourself? जी नमस्ते सर। नमस्कार मैम। I was just trying to unmute myself, could not do it. Thank you very much for just asking me to introduce myself. I am Asha Golcha from Belgium. So since last almost 10 years we are connected with Gurukul education system. And since last 3 years, few children are studying here online, various subjects like Sanskrit Vyakaran, Ayurveda, Niti Shastra, Jyotish, Vedic Maths. And we intend to continue this education further. Okay. So out of interest, I joined this session and I found it very interesting. And currently we were looking for some teachers who can teach our children. And that's why I asked you these questions on the chat box. Thank you, sir. Thank you, ma'am Asha ji. This is really nice of you joining us. And you have got one teacher, Dr. Ramchandra Deo ji. Ji. Sir, mera sabse ek anurodh rahega, kyunki main kuch school college mein padhata hu, ya ke physically padhata hu, lekin jo dekhta hu bachcho mein वैदिक गणित को लेके बहुत इंटरेस्ट है, बहुत रुचि है और गणित बच्चे डरते हैं। अगर आप लोगों के सहयोग से ऐसे कुछ हो जो कि बच्चों तक ये ज्ञान पहुंच सके, उससे सर मेरा तो नहीं गणित का भी भला हो जाएगा और
बच्चों का भी बहुत भला हो जाएगा और भारत का भी भला हो जाएगा जो इंडिया बन रहा है। तो इसीलिए कुछ एक छोटा मोटा कोर्स जैसे डिप्लोमा कोर्स करके अगर आप लोग ये करेंगे वो बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए ठीक है, सो नाउ आई इनवाइट प्रोफेसर डॉक्टर संजय शर्मा जी हु इज अ डीन डिपार्टमेंट साइंस फैकल्टी फ्रॉम गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी नोएडा टू डिलीवर द कंक्लूडिंग कमेंट्स। सर प्लीज अनम्यूट। नमस्कार सभी को, मैं आभारी हूँ माननीय आशुतोष जी का जिन्होंने मुझे मंच दिया इस विषय पर कुछ बोलने के लिए। मैं आधिकारिक तो नहीं हूँ इस विषय पर बोलने के लिए, लेकिन विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते गणित से जो है सीधा संबंध है। और जैसे कि हमारे मुख्य वक्ता जी ने, उनका मैं आभारी हूँ, उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से सभी चीज़ों को रखा। शुरू में ही कहा था कि किचन से लेकर आकाश तक सभी स्थानों पर जो है गणित, मैथमेटिक्स या रज्जु गणित किसी न किसी फॉर्मेट में उपस्थित है। और अंतोगत कहें तो वैदिक मैथमेटिक्स, हालांकि वेद का अर्थ भी ज्ञान ही है तो गणित ही है कुल मिला के। अब इसमें जो सबके अंदर इच्छाएं जागृत हुई है या हो रही है या होनी चाहिए, वो कि गणित को देखना, महसूस करना, अपने चारों तरफ किस प्रकार से महसूस कर सकते हैं, क्योंकि गणित में जीरो से अगर नौ तक शब्दों को भी समझें तो निश्चित रूप से हम इस प्रकृति के बहुत ज्यादा नजदीक जा सकते हैं सिर्फ शब्दों को समझने मात्र से। और ये वैसा ही है जैसे सामने आपने हरा रंग देखा या लाल रंग देखा, अब वो फोटोन्स आपकी आंख में जा रहे हैं, फोटोन का कोई रंग नहीं है, लेकिन आपका ब्रेन उसको एनालिसिस करके केमिकल रिएक्शन के थ्रू बता रहा है कि ये लाल है ये हरा है। तो वैसे ही अब वहां लाल और हरा तो दिखाई दे रहा है, लेकिन वो फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन्स, उनकी फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं पता चल रहे है। तो लेकिन जब उस फोटोन्स की फ्रीक्वेंसी और उसके बीज रूप को समझ लेंगे तो निश्चित रूप से उससे प्रकट होने वाली चीजों को आप समझ भी सकते हैं, बदल भी सकते हैं, और निश्चित रूप से इस अकेले में, इस ब्रह्मांड में जो भी हमें प्राप्त हो रहा है, परसीव हो रहा है किसी भी प्रकार से, उसको हम जो है मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में अपने जीवन में उतार सकते हैं, जीवन को भी भलीभांति समझ सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत संक्षेप में और बड़ी सटीक आपने टिप्पणी की है, कंक्लूडिंग रिमार्क्स दिए हैं, आपका बहुत बहुत आभार। तो ये हमारा पहला एक प्रायोगिक पक्ष था जो संस्कृत विभाग और पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स ने मिलकर के कई कॉलेजेस के साथ सहयोग से हम लोगों ने ये आयोजित किया, और निश्चित रूप से इससे हमारा उत्साह वर्धन हुआ है, हमारा ज्ञान भी बढ़ा है, दृष्टि का विकास हुआ है। तो इसको हम कहीं ना कहीं साधन और सुविधाएं उपलब्ध होने पर इसको हम एक वर्कशॉप में इसको आयोजित करने का प्रयास करेंगे, ताकि इसको हम बिल्कुल उचित रूप से इसको स्थापित भी कर सकें, सुप्रतिष्ठित कर सकें, और इसमें हम अग्रसर भी हो सकें। और निश्चित रूप से जब हम कोई भी इस पे आयोजन करेंगे निकट भविष्य में कार्यशाला का, तो दोनों ही पक्षों पे काम करेंगे कि केवल हम इसको केवल एक टेक्निक सीखने के लिए नहीं करेंगे, इसके पीछे जो दर्शन है, इसके पीछे जो फिलॉसफी है और जो पूरा का पूरा इतिहास है उसको भी कवर करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जब आप वेद शब्द की बात करते हैं तो निश्चित रूप से वेद का मतलब ज्ञान है, और ज्ञान को उन्होंने सीधे जब 10 मंडलों में विभाजित किया और उसको सूक्तों में और आगे मंत्रों में विभाजित किया, और कोई मंत्र आपको गणित के बगैर, कोई मंत्र का कोई अर्थ नहीं निकल सकता, क्योंकि अगर वो छंद ही बिगड़ जाएगा, गणित बिगड़ जाएगा तो अर्थ नहीं दे सकते। तो इसका मतलब है कि बड़ी गहरी समझ और पकड़ वैदिक काल से ही भारतीयों की गणित में रही है। तो निश्चित रूप से हम उसे प्रस्तुत करें, अपनी दृष्टि से लाएं, अपने परंपरा को पुनर्जीवित करें, उसे सुप्रतिष्ठित करें। और मैं उम्मीद भी ये करता हूं कि संभवतः कुरुक्षेत्र का जो मैथमेटिक्स विभाग है वो कभी इस वैदिक मैथ्स को, शुल्ब सूत्रों को अपने कोर्स का कभी हिस्सा बनाएगा, चाहे 10 नंबर का ही बनाए, लेकिन अगर उन्हें थोड़ा सा भी अपने ऊपर
अपनी परंपरा के बारे में रुचि है, उस पर फक्र होता है, तो मैं समझता हूँ कि उन लोगों वो लोग इस बात के लिए प्रयत्नशील होंगे कि वो इसका 10 नंबर का कम से कम जो है वो किसी भी पेपर में शुल्ब सूत्रों को वैदिक मैथमेटिक्स को लागू करें। तो अपेक्षाएं तो बहुत सारी होती हैं लेकिन सभी पूरी नहीं होती, लेकिन आशा रखेंगे तो कोई ना कोई कर्म भी आगे अग्रसर कर लेंगे। तो जैसे कि ये बड़ी पुरानी एक इच्छा थी, बड़ी पहले से इच्छा थी, लेकिन जाके आज उसको आज वो फलित हुई है। तो निश्चित रूप से आप सब धन्यवाद के पात्र हैं जो लोग हमारे साथ जुड़े और जुड़ करके जो है वो छोड़ गए हैं। और आज के मुख्य वक्ता श्री रामचंद्र देव जी का जिस सहजता से और जितनी संक्षिप्तता से उन्होंने विषय को प्रस्तुत किया है वो वाकई साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं, और हम उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं सभी कॉलेजेस की ओर से, जिसमें MPN कॉलेज मौलाना, संस्कृत कॉलेज पंचकूला, संस्कृत कॉलेज अंबाला कैंट, RKST कॉलेज कैथल और अन्य सभी कॉलेजेस जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सब की ओर से मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और जल्दी ही दोबारा आपके साथ मिलेंगे। और हमारे साथ मैडम आशा गोलचा जी जो आज जुड़ी हैं, तो निश्चित रूप से उनके साथ मिलके भी कुछ एक्सप्लोर करने का प्रयास करेंगे। आपके लिए उन्होंने नंबर चैट बॉक्स में डाला है, आप वहां से नोट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और उनके साथ संपर्क कर सकते हैं। और मैडम आशा जी, मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा संपर्क में रहें, तो हम कुछ और नए फ्रंटियर्स को, जो इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज है उसके कुछ नए आयामों को हम देख पाएंगे। और आनंद गुरिये जी से उन्होंने अपना फोन नंबर भी हमारे साथ शेयर किया है और मैं तो उनके साथ संपर्क में हूँ। तो इंडियन साइकोलॉजी और नॉलेज सिस्टम के ऊपर उनके साथ हम बातचीत करेंगे निकट भविष्य में। और आप लोग भी जिनकी कोई रुचि हो तो आप उनको सादर आमंत्रित कर सकते हैं, डॉक्टर आनंद गुरिये जी को। महाराष्ट्र से हैं मूलतः, लेकिन साइकोलॉजी और साइकेट्री और इस तरह के कई विषयों में उनकी महारत है, भारतीय परंपरा में वो सिद्ध है, तो उनके साथ भी आगे हम निकट भविष्य में चर्चा करेंगे। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर दोबारा हम जुड़ेंगे। सर आपका तो जितना हम धन्यवाद करें वो कम है, मैथमेटिक्स की ओर से, संस्कृत विभाग की ओर से, अन्य विभागों की ओर से। हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर परमजीत कौर जी, मैडम मीनाक्षी जी, मैडम शिखा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग जो है रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं। सर ये रिकॉर्डिंग मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा। आप लोगों के सहयोग, आप सबकी सहयोग चाहिए ये गणित का डर बच्चों के दिमाग से निकालने के लिए। आज तो मेरा तो कुछ निकला। संडे सर, आप संडे के संडे क्लास में जुड़ सकते हैं, अभी थोड़ा एग्जाम चल रहा है इसीलिए दो तीन क्लास बंद रहेगा, उसके बाद आप एवरी संडे क्लास भी जुड़ सकते हैं। जी ठीक है, इसको हम प्रयास करते हैं, मैं आपके साथ टाई अप करता हूँ कुछ ना कुछ। आशा जी जो है जी, उनको भी मैं कहूंगा अगर वो संडे क्लास जुड़ना चाहे वो भी जुड़ सकते हैं उनके बच्चों को। जी जी निश्चित रूप से, ये फिर हम सर्कुलेट कर देंगे। हाँ जी, जय जय जगन्नाथ। Thank you everyone. Thank you so much. You can leave the meeting now. Okay sir. हाँ, thank you ma'am. Thank you so much. Madam Shikha ji, धन्यवाद, शुक्रिया। Madam Divya, thank you so much.